आज 8 अक्टूबर है, यानी आज हरियाणा की राजनीति का वो दिन है जब हरियाणा में नई सरकार के चुनाव के लिए आज परिणाम आया है। ऐसे में आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र जिले की चारों विधानसभा सीटों पर आज जो परिणाम घोषित किए गए हैं, उन परिणामों में 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में और 1 सीट भाजपा के पक्ष में आई है। थानेसर, शाहबाद, पिहोवा और लाडवा चारों विधानसभा सीटों के परिणाम घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि आज जिला कुरुक्षेत्र में चारों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। कुरुक्षेत्र जिला में मतगणना केंद्रों पर 3 टायर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए थे। इस जिले से लाडवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी को 16,054 वोटों से जीत मिली है। इसी प्रकार थानेसर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा को 3,243 वोटों से जीत मिली है। पिहोवा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मनदीप चट्ठा को 6,553 वोटों से जीत मिली है। वहीं शाहबाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामकरण काला 6,441 वोटों से जीते हैं। आपको बता दें कि आज लाडवा व शाहबाद विधानसभा क्षेत्र की मतगणना का कार्य कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सामुदायिक भवन में और पिहोवा व थानेसर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना का कार्य शूटिंग हॉल में किया गया। इन सभी मतगणना केंद्रों पर 3 टायर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पुलिस द्वारा कड़े प्रबंध किए गए थे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आपको बता दें कि थानेसर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा को 70,076 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा को 66,833 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण बजाज को 2,948 वोट मिले। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी तनुजा को 1,709 वोट मिले। जसपा प्रत्याशी सूर्य प्रताप सिंह राठौर को 385 वोट मिले हैं। आजाद प्रत्याशी अभिषेक पुनिया को 159 वोट, आजाद प्रत्याशी जयवीर संगा को 141 वोट, आजाद प्रत्याशी मेहर को 92 वोट और आजाद प्रत्याशी अशोक कुमार को 71 वोट मिले। इस विधानसभा क्षेत्र से 798 वोट नोटा को और 49 वोट रद्द हुए। वहीं लाडवा विधानसभा की अगर बात करें तो लाडवा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी को 70,170 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मेवा सिंह को 54,123 वोट मिले। आजाद उम्मीदवार विक्रमजीत सिंह चिम्मा तीसरे स्थान पर रहे, उन्हें 11,191 वोट मिले, जबकि इनेलो प्रत्याशी चौथे नंबर पर रही सपना बरसामी को 7,439 वोट मिले। उनके बाद आजाद उम्मीदवार संदीप गर्ग को 2,262 वोट, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जोगा सिंह को 632 वोट, आजाद उम्मीदवार कश्यप रामचंद्र को 611 वोट, आजाद उम्मीदवार अशोक सैनी हमीदपुर को 415 वोट, आजाद उम्मीदवार भजन सिंह को 265 वोट, जजपा उम्मीदवार विनोद कुमार शर्मा को 205 वोट और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के विक्रम सिंह सैनी को 144 वोट, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के मानसिंह बब्दा को 133 वोट, आजाद उम्मीदवार राजकुमार को 100 वोट, राष्ट्रीय गरीब दल के सतीश कुमार को 69 वोट, भारतीय सर्वोदय पार्टी के सुभाष सैनी को 48 वोट, आजाद उम्मीदवार प्रवीण कुमार को 43 वोट और नोटा को 211 वोट मिले। इसी प्रकार अगर शाहबाद विधानसभा सीट की बात करें जहां कांग्रेस प्रत्याशी रामकरण काला विजयी हुए हैं, वहीं रामकरण काला को 61,050 वोट मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी सुभाष चंद कलसाड़ा को 54,609 वोट मिले हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी चंद्रभान चौहान को 1,638 वोट मिले। वहीं मिशन एकता पार्टी की कांता आलड़िया को 1,333 वोट मिले। आम आदमी पार्टी की आशा रानी को 932 वोट मिले, जबकि जननायक जनता पार्टी की रजिता सिंह को 431 वोट मिले। वहीं आजाद उम्मीदवार पवन कुमार को 358 वोट मिले हैं। इसी प्रकार आजाद उम्मीदवार राजेश कनीपला को 235 वोट मिले, आजाद उम्मीदवार शिवनाथ को 185 वोट मिले। वहीं इसी विधानसभा में 438 वोट नोटा व 64 वोट रद्द हुए हैं। बात अगर पिहोवा विधानसभा सीट की करें तो पिहोवा विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्ठा के पुत्र मनदीप चट्ठा, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे, वो विजयी हुए हैं। मनदीप सिंह चट्ठा को 64,548 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी जय भगवान शर्मा डीडी को 57,995 वोट मिले। इसी प्रकार कांग्रेस इनेलो प्रत्याशी बलदेव सिंह वड़ैच को 1,772 वोट मिले। वहीं जजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुखविंदर कौर को 1,253 वोट मिले। संयुक्त संघर्ष पार्टी के गुरनाम सिंह को 1,170 वोट, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गैल सिंह संधू को 890 वोट मिले। वहीं आजाद उम्मीदवार रज्जत शर्मा को 395 और आजाद उम्मीदवार श्यामलाल को 166 वोट मिले।
श्रोमणी अकाली दल अमृतसर सिमरनजीत सिंह मान के उम्मीदवार कुलदीप सिंह को 107 वोट मिले, जबकि पेहोवा विधानसभा में नोटा को 306 वोट प्राप्त हुए और 44 वोट रद्द किए गए। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों ने जीतने वाले चारों प्रत्याशियों को सर्टि प्रमाण पत्र सौंपा। आपको एक बार फिर से बता दें कि कुरुक्षेत्र जिले की चारों विधानसभा सीटों में से एक सीट भाजपा के खाते में आई है और तीन सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। जहां लाडवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी जीते, वहीं थानेसर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक ओड़ा, पेहोवा से कांग्रेस प्रत्याशी मनदीप चट्ठा, शाहबाद से कांग्रेस प्रत्याशी रामगढ़ को जीत मिली है। इन चारों उम्मीदवारों की जीत के बाद इन पार्टी कांग्रेस और भाजपा का पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा अपने अपने विजेता उम्मीदवारों की जीत पर जमकर जश्न भी मनाया गया।